अरे भाई यार, सबका किराया आ गया। एक ऋषभ का नहीं आया 3 महीने से यार। किराया क्यों नहीं दे रहा है वो? पूछना पड़ेगा उसको। अंकल जी कैसे हो? अगर आ गया तू बैठ। अंकल जी अब आ गए हैं। मेरे को आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी यार? अरे मेरी एक फ्रेंड है ना, उसको रूम रेंट पे चाहिए, तो यार आपके पास अवेलेबल हो तो बताइए जरा। हाँ ऋषभ के पास है रूम यार, उसको दिया था, बट वो किराया दे रहा 3-4 महीनों से। तो कोई बात नहीं अंकल जी, मैं तब उस लड़की से बात कर लेता हूँ ना, बट उसके भी लड़के थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी खराब है, तो कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर लेना यार। चलो कोई ना, उन दोनों से बात कर लूंगा और दोनों के रेंट पे आधा आधा दे दूंगा। हाँ तो और ऐसा ही करते। तो 3-4 महीने से उसका किराया आया नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मैं बोल देता हूँ लड़की को तब। हाँ ठीक है, आप बोलो उस लड़की को तब। ठीक है अंकल जी, मैं चलता हूँ और उस लड़की को मैं बोल दूंगा। ठीक है। हाँ ठीक है बेटा। ठीक है अंकल जी, आराम से आना। चले यार उसको पूछ के आता हूँ उसने किराया क्यों दिया है। अरे ऋषभ, अरे दरवाजा खोल। अरे ऋषभ दरवाजा खोल। सुबह कौन आ गया? अरे ऋषभ काम कर क्या बे? कार मालिक। यार साले ने जीना आराम करके रखा। साले को मैं ही मिलता हूँ सुबह सुबह। यार एक तुम कार मालिक सुबह सुबह मुंह उठा के चला आता है, साले को मैं ही मिलता हूँ रोज तंग करने के लिए। अरे एक तो एक सफाई, चल सफाई कर लेता हूँ, नहीं तो निकाल ही देगा रूम से आज। भाई देखा नहीं तो। चलो सफाई तो होगी, अब मैं मिल ही लेता हूँ उससे, देखते हैं क्या करता है वो। नमस्ते अंकल जी। अबे घोड़े बेच के सोया था रात को क्या? इतनी देर लगती थी दरवाजे खोलने में? रात को लेट आता और सुबह 9, 10, 11, 11 बजे तक सोया रहता है। माजरा क्या तेरा? अंकल जी अंदर आके बात करते हैं। हाँ चलो फिर अंदर बैठ के बात करते हैं। चलो चलो आओ अंकल जी। एक मिनट, क्या हो गया? साफ कर लूं इसको थोड़ी। अंकल जी बैठो। हाँ ठीक है। चाय ले गया, पानी पानी पिला दे यार। ठीक है अंकल जी, पानी की बोतल। ठीक है, और कोई सेवा कर सकता हूँ अंकल जी? नहीं बेटा पकड़ इसको। अरे बेटा तूने 3 महीने से किराया नहीं दिया, क्या बात क्या आखिरकार कब दे रहा तू किराया? अंकल जी बात है ना ऐसी, थोड़ा लॉकडाउन के चलते हमारे पास जॉब नहीं रहा। हाँ तो हम किधर से देगा? अंकल जी प्लीज लास्ट एक महीना दे दो। एक महीना दे दो, एक महीने में पैसे देगा ना सारे? 3 महीने किराया चाहिए को दे दूंगा। अगर नहीं दिया ना तेरा सारा जो सामान दिख रहा ना यहाँ पे, तेरे सामान के साथ कुछ दे पा रहा है गेट के बाहर, घर से बाहर निकाल दो मेरे को। ठीक है बोल दिया आपको ना मैंने, याद रखना 30 दिन। तो ठीक है बेटा चलता हूँ मैं। ठीक है अंकल जी, एक महीना याद रखना। ओके मैं 1 महीने के बाद यहाँ आऊंगा वापिस। ठीक है। चला गया खुरुस साला, दिमाग खराब करके रखा था सुबह से, दिमाग गर्म हो गया बहुत। पहले तो बाहर दुकान में जाके ठंडा ही पी लेता हूँ, थोड़ा माइंड को फ्रेश करता हूँ टेंशन, फिर करता हूँ इसका जुगाड़ भी। यार पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँ मैं? सोचना पड़ेगा कुछ, क्या करूँ, करना तो पड़ेगा कुछ। ठीक है मैं कॉल कर लेता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ हाँ मैंने अंकल जी से बात कर ली है, और आप बात कर लेना ठीक है। हाँ मैं अंकल जी से मिल लूंगी, और एड्रेस मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, देख लेना। हाँ मैं व्हाट्सएप पे एड्रेस चेक कर लूंगी, पर आप भी साथ चल पड़ना। हाँ ठीक है मैं आपके साथ आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, ओके। हम पहुंच गए सीमा। अंकल जी क्या चाल है? बस सब बढ़िया। अरे और लड़की इसको चाहिए था घर, ठीक है, और मेरे को कुछ काम है तो मैं जाता हूँ ना, उसे आप बात कर लो ठीक है। कोई ठीक है, ठीक है अंकल जी बाय। अरे बेटा खड़े क्यों, आप बैठो। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ अंकल जी। अच्छा आपका नाम क्या है बेटा? अंकल जी मेरा नाम सीमा है। तो आपको रेंट से ना एक रूम? हाँ जी अंकल जी। ठीक है ठीक है बेटा, मैं आपको रूम दिखाता हूँ तब। चलो चलिए अंकल जी, ये बैग ले चलो साथ में। बेटा ये रहा ठीक है अंकल जी? हाँ कोई ना बेटा। अरे ऋषभ दरवाजा खोल।
अरे ऋषभ काम कर क्या बे? अरे यार मकान मालिक आज फिर से आ गया, फिर से दिमाग खाएगा। अरे ऋषभ बेटा, आज से लड़की तेरे साथ रूम शेयर करेगी। अरे तुम और यहाँ? अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? जी अंकल जी, हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। तो आप दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी एक साथ रहने में ना? हाँ मेरे सब नहीं अंकल जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है बेटा, आप रूम शेयर कर लेना ना, और लगेज अपना अंदर रख लो, और जो आपका सामान है उसको लेके शिफ्ट हो जाओ, ठीक है? अगर आपको कोई दिक्कत होगी, अगर परेशानी होगी तो मेरे को कॉल कर लेना या नीचे रूम में मिल लेना, ठीक है? चलता हूँ। चलो यहाँ पर रख देती हूँ सामान। तुम यहाँ पे सामान नहीं रख सकती? यहाँ जगह कहाँ है सामान रखने के लिए? तुम होते कौन हो मुझे ये सब बोलने वाले? चल अटबरे, सारा मूड ऑफ कर दिया। चोट लगा दी, बहुत दर्द हो रहा है यार। आज बहुत गर्मी है, फैन ऑन कर देती हूँ। अब ठीक है, ठंडी हवा आ रही है। इतनी सर्दी में पंखा बिल कौन देगा? फ्री का एक तो खाने के लाले पड़े हुए, इधर पैसे नहीं है यार, पंखे का यूज कर रहे हैं। बंद करो इसको। गर्मी में भी इसने पंखा बंद कर दिया। ये क्या बदमीजी है? तुम फैन बार बार ऑन ऑफ क्यों कर रहे हो? आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है, चलो थोड़ा सा सो लेता हूँ। आज तो मजा ही आ जाएगा सोने का, आराम से सोऊंगा। नवाब ज्यादा सोए हैं न, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के ये करता है कि इसको तो मैं अभी बताती हूँ। उठो उठो, मुझे यहाँ पे सोना है। क्या हुआ, भूकंप आ गया? उठ जाओ, चलो यहाँ से, वहां सो जाओ, मुझे यहाँ सोना है। इतनी अच्छी नींद आई थी, उठ जाओ, मुझे यहाँ सपने में भी तब करती रहती हो। पे सोना यहाँ पे एक ही बैठे, मुझे नहीं है मतलब, वहां जाके सो जाओ। जाओ यार, उधर कहाँ पे सोना? मुझे नहीं है मतलब, जमीन में सो जाओ, चाहे ऊपर सो जाओ, कहीं भी सो जाओ, जाओ बस यार से मतलब। जाओ बस, वरना मेरा हाथ टूट जाएगा। मुझे मजबूर मत करो, वरना मेरा हाथ टूट जाएगा। ठीक है कर ले इच्छा पूरी, सो जा। रुको, कमल तो लेते जाओ। ले, खुश रहे। ये क्या बदमीजी है, बहुत गन पड़ा हुआ है, स्पाई कर दीजिए। सीमा, क्या हुआ? थोड़ा सिर दर्द और चक्कर आ रहे हैं। रुको मैं आपके लिए दवाई लेता हूँ, रुको। सीमा है, लो दवाई खा लो। अब कैसी दवाई थी सीमा? अब ठीक हूँ ऋषभ। चलो आराम करो आप थोड़े सा। ठीक है तो चलता हूँ मैं। ठीक है।
चलो आज मकान मालिक का किराया देके आता हूँ, साले के मुंह पे मारूंगा, पकड़ अपने पैसे। किसी की भूखी है क्या, चाहिए उसको पैसा ही चाहिए, या दिमाग खराब करके रखता है साला, पैसा पैसा पैसा। हाँ अंकल जी। हाँ बेटा। ये लो पैसे तुम्हारे किराया। अरे यार बेटा इतने दिन बाद दिया तुमने किराया। हाँ अंकल जी क्या 10,000 है ना। हाँ ठीक है बेटा, आगे से टाइम से कर रहे हैं ठीक है। हाँ जी हाँ जी। We'll be right back.